B2, B3, B4, B5, B6 ठीक है, छः जो है वो गार्डियन आपने चला दिया, मेट्रोज के बारे में ठीक है। अच्छा अब आपने ना लगानी कैसे वो छः की यूज ना यहाँ पर कहा, दो इंपॉर्टेंट स्पेसेस हैं, वास्टर स्पेसेस 4 एंड 5 ठीक है, 4th space and 5th space दो लीड्स जो हैं वो लगेंगी 4 की ठीक है। अच्छा बाकी एक ही दरमियान में लगती है वो मैं आपको बात करता हूँ, तो बस ये याद रखें दो लीड्स जो है पहली B1 और B2 कहाँ लगेंगी 4th space कौन सी बन रही है 4th space ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड ये 4th space ठीक है। आप यहाँ से एंगल ऑफ लूज से काउंट कर लेंगे, आप अगर फील करते हैं ना रिब्स, रिब्स के दरमियान में आपको मसल्स थोड़ा सा फील होते हैं ठीक है, तो वो आपके प्रोसेस है। तो आपने वही सेम प्रोसेस है, आपने उसको एक्सपोज किया, हाथ बात किए, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया, काम किया, प्राइवेसी जो भी आप बेचारे मेजर्स ले रहे हैं ठीक है, जल अप्लाई करेंगे। अच्छा ये अब हम ऐसी तरीके में चल रहे हैं गोरों के हाथों में मामला बदल गए हैं, वो तो स्टीम लगा देते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ लगे रहते हैं, वो चिपकाने भी लगे रहते हैं, एक चिपकाते हैं दूसरे लगे, तो B1 जो है वो आप लगाएंगे ठीक है 4th space के अंदर आपने लगा जल लगाया था उसको थोड़ा प्लस करेंगे सेम 4th space के अंदर लेफ्ट साइड पे आप लगाएंगे ठीक है। अभी भी अभी आप नहीं लगाएंगे, आप सीधी जाके B4 लगाएंगे, तो ये क्लेरिकल है इस बॉन्ड को जानते हैं आप, ब्यूटी बॉन्ड फीमेल, तो ये क्लेरिकल मिड क्लेरिकल दरमियान में ये बना, मिड क्लेरिकल लाइन को आप नीचे लाएंगे ठीक है, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर आपने लगा देनी है B4 ठीक हो गया, B2 और B4 के दरमियान में आपने B3 लगा दी, B1 लगा दी आप 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर राइट साइड पे B1 लगा दी, लेफ्ट साइड पे B2 लगा दी, क्लैरिकल से ना मिड क्लैरिकल लाइन पे आएंगे निप्पल के जस्ट बिलो ठीक है, आपने लगा देनी है V4 B3 अब स्किप किया ठीक है, लेकिन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस 5th इंटरकॉस्टल स्पेस उससे थोड़ा नीचे हो वहाँ आपने V4 लगा दी, V3 जो है वो V2 और V4 के दरमियान लगाएंगे, लाइक हमने यहाँ पे V2 लगाई थी, यहाँ हमने V4 लगाई, तो ये इनके दरमियान में हम V3 ठीक हो गया, चार लीड्स लग गई। सर V3 दोबारा बता दें, V2 और V4 के दरमियान में आपने V3 लगा ठीक है, पीछे रह गई दो लीड्स 5 और 6 बहुत आसान है, ये शोल्डर है यहाँ से, इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्जिला है हमारे, तो इंटीरियर एक्जिलरी लाइन में आप आएंगे सेम। अच्छा आप आगे V5 में लगानी है सारी, जहाँ आपने V4 लगाई थी ना उसके सामने यहाँ से मिड एक्सिलरी लाइन पे ये जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे आप V5 लगा देंगे और ये शोल्डर के यहाँ पे मिड एक्सिलरी आपके अंदर मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर आप V6 ठीक है, ले रहा है इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, अप्लाई करना बहुत आसान है, कैसे कैसे लगाएंगे वो ये इसीलिए उधर लगाई गया, इसको ही ये इंफोकियंस ट्रायंगल कहते हैं, उसको ही हम एक लाइन के ऊपर फिक्स करके ऐसे अगर मैं इस लाइन को उठाऊं और इधर रखूं तो ये आपकी लीड 2 है, इसको उठाऊं और ऐसे रखूं तो ये आपकी लीड 3 है, इसको उठाऊं तो ये इधर ए बी है पा गई, ये 1 है, इस तरफ ए बी आर है और इस तरफ आर की ए बी एल है, ये वो जाविये है जहां से हार्ट को आप देख रहे हैं, यहां पे ऐसे ये कुछ कुछ में मशीनें हैं, एक और चीज़ याद रखना वो फिजिक्स है थोड़ी, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक है, ये जितनी भी हम कर रहे हैं ये है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नॉट समथिंग लाइक मास लेंथ, वो एक फिक्स यूनिट है, ये
डिफरेंस है और ये आपकी रेफरेंस लीड है। इसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते बट दिस इज रेफरेंस लीड और इसके हिसाब से दो वोल्ट इलेक्ट्रोड्स का जो डिफरेंस है वो मशीन निकाल रही है। ये थोड़ी सी फिजिक्स है, उसमें अगर नहीं करनी आते हो तो मशीन के हवाले से। सर अगर ब्लड से ह्यूमन में साइनस रिदम पता चल जाता है उससे हम क्या करते, क्या पता चल जाता है? नहीं मेरा क्वेश्चन भैया इंसान का क्या पता, अगर उसमें रिदम साइनस रिदम आपको पता चल जाता है ब्लड से उसमें कोई चेंज आती है तो ये क्या उससे क्या डायग्नोज करते हैं? हमारे पास कोई वैसे ही अलग हम उसमें क्या मिस क्या कर रहे हैं जो इनके पास अच्छा नहीं पता चलता? मैं तस्वीर का लाना फिर नहीं पता, मैं भी आपको इमेजेस शेयर करता हूँ आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं सर को ये दिखा रहा था कि एट्रियल फिब्रिलेशन डॉग्स के अंदर आपको यहाँ पे पीजें मिलती नहीं, ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे मेल है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। और एग्जैक्टली ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये जो साइंस सिस्टम है इसको पहले से निकाल दिया, साइंस सिस्टम नहीं है तो अब आगे आप इतिहास देखेंगे अब क्लियर नहीं मिलेगी इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन के उसमें आपको क्लियर नहीं मिलेगी। एट्रियल फिब्रिलेशन इज अ टाइप ऑफ एट्रियम, अगर आपको ये रिजल्ट नहीं नहीं मिल रहा तो इसके अलावा जो भी है। हाँ अच्छा सर, सर की बात को कंटिन्यू करते हैं तेरे सवाल पर, अगर यहाँ पे टी वेव नहीं मिल रही इसका क्या मतलब है, कहाँ से कनेक्शन नहीं हो गए? हाँ सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिनेरियल ऐसे नोड से कोई कनेक्शन नहीं हो रही। फिर एट्रियल फिब्रिलेशन के अलावा एट्रिया ऐसे ऐसे आपको ऐसी ऐसी वेव मिलती है उसको फ्लटर कहते हैं, एट्रियल फ्लटर भी मिलता है। बार बार ये पी वेव जिस तरह सर कह रहे थे ना ये आपको ऐसे बायोफिट मिलती है क्लासिकल टॉप के अंदर पते हैं इसकी टॉप। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि वो क्या चीज मिस करते हैं हमारे पास वैसे ही रहती है। ह्यूमन में ये होता है ना कि आपको बाकी चीजें देखनी पड़ती है किस डिजीज की वजह से ये हो रहा है। सी बात है हम भी जब ईसीजी करें तो कोई डिजीज कंडीशन होगी ना, ऐसे तो नहीं है ना कि उसका क्वेश्चन है उसका दोष है, एक होती है रेगुलरली इररेगुलरिज्म, एक होती है इररेगुलरिटी। तो हमारे यहां सब साफ है उनके पास एक ईसीजी भी आपको से बड़ा इससे जाने का तो ये ओके जब ये इससे बड़ा को क्लियर हो गया ठीक है। मेरे पास देख लीजिए सर ये जो मैंने ये बताया था इसमें क्या है रिदम कौन सा आप सब के लिए है उसके हमारे पास वो कह रहे हैं
वो मैं आपको भेज दूंगा ये मैं तो ये कह रहा हूँ वो मैंने उसको कहा वो कहता महीना लगेगा 10-12 वो मैं आपको ये भेज देता लेकिन ना वो सानू फिर कम होते ये मैं आपको ना भिजवा दूँगा टी सी एस कर भाई ये वाली चार आपने ये इसके अंदर इस तरह ही लगा दिया उसमें आपकी जो है ना उसके टेक्निक आगे तो ये तमाम चीज़ें आपने होलिस्टिक देखी होती है लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो जब बेनिफिट और एनलार्जमेंट होती है तो आपके पूरा कॉम्प्लेक्स एनलार्ज होता है और जो एट्रल फिब्रिलेशन है वो काफ़ी यानी कि जो अभी तक क्लिनिकली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पी वेव नहीं आ रही है वो एक कॉमन चीज़ है बट दैट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग क्योंकि सर ने कहा था कि अगर पीटी आपके काम नहीं भी करते तो 80% ब्लड आपका वैसे भी वेंट्रिकल में आ जाते हैं सो बेनिफिट और फिब्रिलेशन इज मोर लाइफ थ्रेटनिंग कंपेयर टू एट्रल फिब्रिलेशन आप अभी व्हाट्सएप करो ना तो मैं आपको दिखाता हूँ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अच्छा और इंटरेस्टिंगली मैं साहब आपके साथ ही कहते हैं साथ ही साथ मैंने किया है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मौके के ऊपर आई है उसके बाद डॉग स्टेबलाइज हुआ है और 2 दिन के बाद उसकी डेथ हुई है तो हार्ट एक ऐसी मशीन है ऐसा है कि मैंने देखा है कि मैं कर रहा हूँ और मैं आधा घंटा लगा रहा हूँ उसके साथ उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आई है सर और उसके बाद वो डिजॉल्व ऐसे ही है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर सर आप और बेटे डॉग के ऊपर अगर आप डेमो चाहते हो तो बताओ हम लगा देते हैं हाथ से करना ही वर्कशॉप का मकसद है कि बच्चे अपने हाथ से जीते हैं एटलीस्ट दे शुड वर्क विद देयर हैंड्स चलिए ये आया है और उसके बाद नॉर्मलाइज हुआ है नॉर्मलाइज होकर 2 दिन तक जो है ना वो स्टेबल रहा है और जो तुम करोगे तो पता चल जाएगा कि ओनर जो है वो मुसीबत डाल देता है Yeah.
What the risk is? अच्छा ये बताओ ये 6 लीड हैं ये 4 लीड हैं कितने हो गए और यहाँ पे 12 कैसे हो गए बाकी दो इलेक्ट्रोड कहाँ लगा थे या ये दो इलेक्ट्रोड जो बाकी बच रहे हैं 10 और 12 के दरमियान जो टैली है वो कैसे कर रहे हैं आपने Thank you.
इतने तक सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। सर 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 अल्लाह का करम, अल्लाह का करम छोड़ा तू सुना। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जी जी मेन ऑडिटोरियम ठीक है ठीक ठीक बगदाद बगदाद जी जी Thank you.
खुदा करे ये नया साल आपके दामन में खुशियां ही खुशियां भरते, खुशियां इज्जत और सुकून जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में इन तीनों नेमतों में से किसी एक की भी कमी ना आने दे, सदा सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। रहीम, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मेरे ज़िला बिहाड़ी के गयूर मुलाजमीन भाइयों, मीडिया के साथी और तमाम सामेईन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे अजीम लीडर मोहसन मुलाजमीन 22 लाख मुलाजमीन के हकूक़ के अलमबरदार हाजी मोहम्मद इरशाद सैन चौधरी साहब मरकजी और सूबाई सदर आपका पाकिस्तान की कॉल पर पूरे पंजाब के 35 अजला की तरह ज़िला बिहाड़ी में भी आज एफकर खिदमत ग्रुप सरापा एहतजाज है। और हमारे इस एहतजाज का मकसद इस साल के 31 दिसंबर आखिरी दिन में हमारा एहतजाज इस वजह से हो रहा है कि पूरा साल जो इक्तदार के ईवानों में बैठे लोगों ने हमारे साथ वादे किए, उन वादों को अभी तक वफा न किया और हमारे साथ बिलतरतीब वो झूठे वादे करते रहे कि हम मुलाजमीन के लिए मराआत देंगे, हम इनके अलाउंसेस में इजाफा करेंगे, हम इनको अच्छी मराआत देंगे, हम महंगाई के तनासब से इनकी तनख्वाह में इजाफा करेंगे। मगर अफसोस, सद अफसोस कि उन्होंने अपनी एक बात तो पूरी की कि अलाउंसेस में इजाफा किया, तनख्वाहों में इजाफा किया, वो उन लोगों के लिए जो पहले से मराआत याफ्ता हैं, जिनको 100% तनख्वाह में इजाफा था उनकी 150% तनख्वाह में इजाफा किया गया। एग्जीक्यूटिव अलाउंस एग्जीक्यूटिव अफसरान के नाम से 150% इजाफा किया गया। एस एंड जी डी के मुलाजमीन के लिए बेपनाह इजाफा किया गया। चंद मंजूर नजर महकमा जात के लिए बेपनाह इजाफा किया गया। हम चाहते हैं पंजाब भर के तमाम मुलाजमीन को बिला तफरीक यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हमारे हाउस रेंट में वफा की तरफ पे इजाफा किया जाए। और मुझे वो वक़्त याद है जब महमूद रशीद अपोजिशन लीडर होता था, वो हमारे एफके के प्रोग्रामों में आता था और कहता था हमें आप लोगों का एहसास है, हम आप लोगों की आवाज़ बनेंगे, अगर हम इक्तदार में आ गए
तो हम मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के इतना सबसे दावा करेंगे, वो कहां गए दावा करने वाले, वो कहां गए धारे यकजहती करने वाले, वो किधर चले गए, उनको क्यों वो वक्त याद नहीं जब वो चौक पे खड़े होके बिजली के बिलों को जलाया करते थे, जब वो कहते थे हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, जब वो कहते थे हम दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएंगे, वो कहते थे दोहरे मियार का खात्मा करेंगे, मगर अफसोस कि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान ने, वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम के सनारे की मुकम्मल नफी कर दी है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर मिनी बजट आ रहा है इस साल भी मुलाजमीन की तनख्वाहों में अजाफा अच्छी तरह महंगाई के तनासुब से न किया गया, हमारे अलाउंसेस में जो तफरीक है उसको खत्म न किया गया, तो हम ऐसा एहतजाज करेंगे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, इंशाल्लाह पूरे पंजाब में दमदम मस्त कलंदर होगा। मैं सलाम पेश करता हूं अपनी अजीम लीडरशिप पे, हाजी इरशाद अहमद चौधरी साहब के हुक्म पे, जिस तरह आज विहाड़ी में एक मुख्तसर कॉल पे डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस में मुकम्मल मुलाजमीन बाहर निकले, और सलाम पेश करता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के गशूर मुलाजमीन को कि जब भी उनके हकूक के लिए बुलाया जाता है वो अपने दफातर से निकल के हमारे एहतजाज में शामिल होते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ये मेहनत रंग लाएगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे जज़रदरीना मुतालबात पूरे होंगे, और अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह आज जो लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट में मेरा अजीम कायद एहतजाज कर रहा है वो सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा रहा, वहाँ पे डे एंड नाइट धरना है, और इंशाल्लाह मुतालबात की मंजूरी तक वो एहतजाज खत्म नहीं होगा, और अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो पंजाब के 36 अजला से काफले इंशाल्लाह अपने कायद के इशारे पे लाहौर पहुंचेंगे, वो सेक्रेटेरिएट को बंद करेंगे, वो मार रोड को बंद करेंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम अपने एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। तो मैं सबसे आखिर में अपने तमाम गैर मुलाजमीन को यह बताना चाहता हूं कि जिला विहाड़ी एपका की डे एंड नाइट वर्किंग को देखते हुए हमारी अजीम लीडरशिप ने साउथ पंजाब में जो बॉडी बनाई है पूरे साउथ पंजाब के सब अजला से सबसे ज्यादा नुमाइंदगी जिला विहाड़ी को दी गई है, और मैं सलाम पेश करता हूं अपने गैर मुलाजमीन का कि जिन्होंने हमेशा अपने जायज मुतालबात के लिए अमली जद्दोजहद के अकदाम पर हमारा साथ दिया, और मैं एक बार फिर तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, और इंशाल्लाह आगे जो कैदीन का शेड्यूल आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब भाइयों को अतला दी जाएगी। अस्सलाम। इसके अंदर ना ईसीजी पेपर है वो जो हमने अभी पढ़ा था, ये 25 पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है just have to go push the start button and it goes on. Okay, that's good. ये आपकी ईसीजी okay, ये इसमें लिंक जो है ना ये टू इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर ना आपको लिंक लिंक सारी नजर आ जाएगी। अच्छा अब इम्पॉर्टेंट है आपने ईसीजी पढ़नी कैसे, बाकी हर चीज़ को आप भेजें, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन लीड टू, ठीक है, लीड टू के ऊपर आपने फोकस होना है। अब ये सारे एक दफ़ा आप देख लीजिए, मैं ये आप जरा लीड टू पर फोकस करें और फिर मैं ड्रॉ करता हूँ आपको और प्रिंट्स निकाल देते हैं। हाँ जी, और मैं आपको निकाल देता हूँ सारे चीज़ के लिए। अपने दौर पर ना ज़रा इसको कंसिडर करें, आपको क्या नज़र आ रहा है इसके लिए।